नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, शायद उसका जवाब आप जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सही रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे से दीपावली मनाइए। और वैसे भी मेरे हिसाब से कुछ लोगों की अच्छी दीपावली हो ही चुकी होगी, क्योंकि बड़ी इलायची में जिस तरीके की तेजी थी। तो अब बात करते हैं आपके आपके साथ में जो मैं क्वेश्चन के बारे में बोला था। तो देखिए, मैं बहुत समय से वीडियो बना रहा हूँ जो आप देख भी रहे हैं और बहुत अच्छा प्यार भी दे रहे हैं, उसी वजह से प्रोत्साहन रहता है आपके इस प्यार की वजह से कि मैं रेगुलर आपको वीडियो बना के और आपको इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होती है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ, जिससे कि आपको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ आपको मुनाफा होता रहे। तो आज मेरा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है कि क्या आपको मेरे वीडियो से कभी किसी को, जितने भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो देखते हैं वीडियो, जो यूट्यूब परिवार के हैं, क्या कभी उनको कोई फ़ायदा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सिर्फ प्रॉफिट लिख दीजिएगा। और किसी भाई को क्या मेरी वजह से कभी नुकसान भी हुआ है तो भाई वहाँ नुकसान लिख दीजिएगा। तो कम से कम मुझे ये तो पता रहे कभी मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, या मेरा वीडियो बनाना सक्सेस है या मेरा वीडियो बनाना फेल है। यही आज का विचार था। भाव आज नहीं है ये आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि आज छुट्टी है, शायद भाव आ सके, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार छुट्टी के दिन भी भाव आ जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम तक अभी तक किसी तरह का कोई भाव ना तो गुवाहाटी से है ना ही सिलीगुड़ी से है, और जो कल और आज जो देखा जा रहा है पूरी शांति सी छाई हुई है, ये सिर्फ फेस्टिवल की वजह से ही है, क्योंकि हर आदमी अपने फेस्टिवल में कहीं ना कहीं बिजी ही होगा, इसी वजह से इतनी साइलेंट है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये साइलेंट है तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। अभी भी अगर आपके यहाँ रेट अच्छी चल रही है, जो भी सिलीगुड़ी की भाव और गुवाहाटी के भाव आपको पता ही हैं, आपके यहाँ के भाव अगर अच्छे हैं तो आप मुनाफा उसमें से ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तेज़ी मेरे हिसाब से बनी हुई रहेगी। दीपावली के बाद कुछ हल्का फुल्का हो सकता है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं मेरी बात से कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको हल्का फुल्का, तो उससे भी मत घबराइए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इसकी तेज़ी अच्छी खासी चलने वाली है। बस दीपावली की बात थी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुनाफा ले लीजिए और दीपावली अच्छी मना लीजिए। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बोला कि मेरे वीडियो से आपको कुछ मिला या नहीं मिला। आज आपके कमेंट्स की, भरपूर कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा कि कितने कमेंट्स आते हैं, उसी से ही मुझे पता चलेगा कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी दीपावली।